ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। आज जो सीनापाली नवापाड़ा में 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ की आयोजन हो रही है, उसका अंतिम दिवस है जो कि पूर्णाहुति का दिवस है। तो सुनने में तो आया था कि कल जो चिन्मय भैया आए थे तो अश्वमेध यज्ञ को भी फेल कर देगा, ऐसा भीड़ हुआ था। तो रायघर से आप लोग का भोजनालय टोली आई है, तो आपके टोली में कितने जन आप टोटल आए हैं? देखिए, हमारे इस कार्यक्रम में रायघर क्षेत्र से जितने भी श्रद्धालु हमारे स्वयंसेवक भाई हैं, भोजनालय में सेवा देने के लिए 450 हमारे भाई बहन आए हैं और पूरा यहाँ सेवा दे रहे हैं भोजनालय में। और कार्यक्रम तो बहुत ज़बरदस्त और भयानक श्रद्धालु का आगमन हो रहा है। तो आज लगभग कितना मतलब भक्तों का भीड़ मतलब अनुमान किया जा रहा है, कितना हो सकता है? आज भीड़ भी कल जैसे डॉक्टर साहब जो आए थे कल भी बहुत भीड़ था, आज भी 50,000 करीबन अभी आ चुके हैं। हाँ हाँ, अभी और आने का संभावना है। आज तो आखिरी दिन है और ज़्यादा भीड़ होगा श्रद्धालुओं। जी जी। तो भोजनालय में आप टोटल कितना चूल्हा बनाए हैं और उन चूल्हों में? इसमें तो 51 चूल्हा है बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, जिसमें बड़ा बड़ा हंडा बगुना सब लगा हुआ है। हाँ हाँ, जिसमें ऐसे दो बगुना है, दो हंडा है, जहाँ की 12 क्विंटल चावल एक साथ पकता है। जी जी जी। 10,000 का लोग खाते हैं। जी जी जी। तो सभी में चावल ही पकता है या फिर दाल सब्जी और खट्टा भी बनता है? हाँ, दाल के लिए मतलब कितने आप होंडा यूज करते हैं, खट्टा के लिए कितने यूज करते हैं? बड़ा बड़ा जो है 12 क्विंटल जो है चावल पकने वाला, उसमें दाल के लिए दिन में 5 बार निकलता है। हाँ हाँ, एक हंडा में 10,000 लोग खाते हैं। जी जी जी। एक ही बार निकलने से। और सब्जी प्रसाद में आप क्या क्या देते हैं? फूल गोभी, कद्दू और जो भी बैंगन, ये सब चीज़ पड़ते हैं दालमा बनने के लिए। और खट्टा में कौन कौन सा चीज़ आप यूज करते हैं? टमाटर का खट्टा बनता है, उसमें गुड़ पड़ता है, खजूर पड़ता है, मीठा और खट्टा मीठा खट्टा बनता है। जितने जन आप आए हैं, 400 हो या 500 हो, इतने जन में आप सारे जितने श्रद्धालु भाई बहन आते हैं, श्रद्धालु भक्तगण आते हैं यज्ञ का आनंद लेने, तो उन सबको आप भोजन प्रसाद समूचे मात्रा से पहुंचा पाते हैं? हाँ, ये हमारा सब भाई बहन पूरा डटे हैं, पूरा लगन से कर रहे हैं भोजन प्रसाद। अब सबको हम पूर्ति करते हैं भोजन, किसी को भूखा पेट हम नहीं भेजते। माता भगवती देवी का बहुत कृपा आशीर्वाद है, गायत्री माता का आशीर्वाद है, जिसमें सबको हम भरपूर भोजन प्रसाद दे सकते हैं। तो सुनने में आया है कि आप लोग 19-18 तारीख से आप पहुँचे हैं, तो आप लोगों को थकान नहीं लगता है क्या? गुरुदेव का आशीर्वाद है, किसी को भी थकान, बहुत श्रद्धा से खुशी से भोजन पका रहे हैं, दिन भर पकाते हैं, रात 10 बजे तक भोजन प्रसाद मतलब बनाते हैं। तो गुरुदेव का आशीर्वाद बरकरार है हमेशा है। गुरुदेव का बहुत असीम कृपा है सभी के ऊपर, सभी भाई बहनों के ऊपर। उनके कृपा से इतने खुशी से, इतने आनंद से जो है भोजन पका रहे हैं, बहुत आनंद आ जाता है। जी जी, ये सारी महिमा गुरुदेव का ही है। गुरुदेव का है, गुरुदेव ही आशीर्वाद कर रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है। और आपके और से आप कुछ कहना चाहेंगे आपके भोजनालय टोली के लिए, और फिर आपका जो 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ हो रहा है, आपके और से आपका जो अनुभव है ये यज्ञ का, आप बताइए। यज्ञ तो अश्वमेध यज्ञ ही है, और इसमें अश्वमेध यज्ञ के बढ़कर इतना श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, और जो भोजनालय भी बहुत सुंदर से बन रहा है, माता जी का असीम कृपा है भोजनालय में। भैया जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। कब आए हैं आप लोग? 15 तारीख को आए भैया। 15 तारीख क्यों आए हो? हाँ जी। और भोजन व्यवस्था कैसे चल रही है? एकदम बराबर चल रही है। और किसी को कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत तो नहीं है, एकदम पूरा जो दिक्कत होता है तो ब्रह्म गुरुदेव सबको एकदम पूरा आराम से, मतलब गुरुदेव इतना आशीर्वाद कर रहे हैं कि कोई दिक्कत भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। बाबूजी कैसे लगत है गुरुदेव के काम? हाँ, गुरुदेव के काम कैसे लगत है? एकदम चोखा चोखा। ऐसे कहीं कष्ट वगैरह है? ऊपर वाला की मेहरबानी है। सबला लेगत है ना? हाँ। देवत है, लेगत है? नहीं लेगा है, देवत है। देवत जात है ना?
गजब 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ सीनापाली का भोजनालय का दृश्य है, जो कि हमारे रायघर ब्लॉक की ओर से व्यवस्था की जा रही है। और यहीं से भोजन सारे जितना भक्तगण हैं, श्रद्धालुजन, गायत्री परिवार के परिजन हैं, उनको भोजन प्रसाद का सेवन की करवाया जाता है। टोटल 50 चूल्हा का निर्माण किया गया है। ये बहुत सुंदर सुहाना दृश्य है। हमारे बहनों के माध्यम से भात बनाया जा रहा है। नींबू पानी, शरबत पानी, जो कि गुड़ के माध्यम से बनाया जा रहा है। ये भोजन काउंटर है। ये भोजन काउंटर है। यहाँ से चावल परोसी जाती है, यहाँ से पत्तल की व्यवस्था की जाती है, यहाँ से डायरेक्शन दी जाती है कौन कौन लाइन में कौन बैठेंगे। टोटल भोजन व्यवस्था की जा रही है यहाँ से भोजन भोजनालय में। सिक्युरिटी दायित्व जो मैंने गायत्री परियोजनालय गेट के टिके दयाकोरी कंट्रोल कर अजथा भीड़ बढ़ी जाइए सेने 30 जन बसवार जगार 100 जन जदि जीवे ताल व्यवस्था के आमर 9 नंबर लाइन खाली वाला ये है। 1 नंबर भोजनालय, इसके पीछे ही 2 नंबर भोजनालय है। अभी 1 नंबर भोजनालय में पूरा भीड़ हो गया है, इसलिए 2 नंबर भोजनालय को खोला जाएगा। और 1 लेन भोजनालय में 7 लेन है, 8 लेन है, 9 लेन है, टोटल 9 लेन का भोजनालय है। ये फर्स्ट नंबर भोजनालय है और दूसरा भी भोजनालय है पीछे तरफ, आपको दिखाऊंगा। भोजन पकती है, अभी हमारे भैया भोजन बना रहे हैं, चावल भोजन बन रही है। यहाँ रायघर टोली के माध्यम से हमारे विष्णु भैया जी दाल बना रहे हैं। गुरुदेव की बोले वंदनिया, माता जी की की दाल की। ग्लास को गोटे ड्रम रे पकाबे अमर भौणी माने देख कर सफाई कर कर आडी कर देबे अस्तरर सहज माने पहुंच अपन मान कर ये भोजनालय का दृश्य है। नवापाड़ा सीनापाली 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ का अंतिम दिवस पूर्णाहुति का। आप जो भोजन व्यवस्था की जो क्यारी देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ऐसे ऐसे टोटल 26 लाइन है, जो कि एक लाइन में 200 श्रद्धालु भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो एक ही बारी में 5000 से ऊपर श्रद्धालुगण भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे ही 3 पाली ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो यदि हम 3 पाली को काउंट करें तो 16-17 हज़ार श्रद्धालु भक्तगण अभी तक भोजन प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। अभी और 2-4-5 पाली और होना है, तो टोटल आज 1 लाख या 1.5 लाख करीब श्रद्धालु भक्तजन भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये 1 नंबर भोजनालय है, इसके बाद और उस तरफ 2 नंबर भोजनालय भी है। तो कहा जाता है कि कल जो चिन्मय भैया आए थे, तो कल भी 1.5 लाख श्रद्धालुगण भोजन प्रसाद ग्रहण किए थे, और आज भी 1 लाख करीब भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे।
छोड़ी आवर जोड़े हमारे संवैधानिक भाइयों का जो कष्ट निवारण हेतु परिश्रम लाघव हेतु यहाँ अमृत पानी की व्यवस्था की गई है हमारे कृष्णा चाचा जी के माध्यम से। चाची भी यहाँ अमृत पानी का आनंद ले रहे हैं। परिश्रम लाघव के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये गुड़ पानी है जिसमें नींबू लगाया गया है और गुड़ लगाया गया है और जितना परिश्रमी सेवादानी समयदानी हमारे भाई बहन हैं उन सब का परिश्रम लाघव हेतु ये व्यवस्था की गई है। सभी के लिए भैया आनंद आ रहा है गुरुदेव का काम करते हुए। गुरुदेव की जय हो। आनंद ही आनंद ना। बाबूजी ये क्या बन रहा है? टमाटर की चटनी। टमाटर का चटनी। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।